नमस्कार दोस्तों। तो बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही, 10वीं और 12वीं देने वाले बोर्ड के परीक्षार्थियों का रिजल्ट अब जारी होने वाला है। सूत्रों के हवाले से बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि 100 वर्षों के इतिहास में इस बार का रिजल्ट रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि 12 दिनों में कॉपियों का मूल्यांकन हो रहा है और इतनी जल्दी बच्चों का रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी खबर होने वाली है 10वीं और 12वीं की कि रिजल्ट की तिथि का ऐलान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आज करने वाले हैं। आज होने वाली बैठक के माध्यम से रिजल्ट की तारीखों का बड़ा ऐलान करने वाले हैं। ठीक है, लोकसभा चुनाव के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। बच्चों के हितों को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आज रिजल्ट की तारीखों का ऐलान करने वाले हैं। साथ ही बैठक के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहन राशि भी देने वाले हैं। ये बहुत ही बड़ी खबर है 10वीं और 12वीं के सभी छात्र छात्राओं को जो कि रिजल्ट के इंतजार में है। लाखों छात्र रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है। सबसे पहले हम आपको बता दें, टॉपर लिस्ट में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहले टॉपर को 1,00,000 रुपए, द्वितीय टॉपर को 75,000 और तृतीय टॉपर को 50,000 रुपए की नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा तथा इनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ बड़ी सौगात मिलती है, ये बात तो सबको पता है। नतीजों के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट uprizal.nic.in या फिर upmsp.edu.in वाली वेबसाइट पर विजिट करके आसानी से निकाल पाएंगे। 4,00,000 अभ्यर्थियों ने बोर्ड की परीक्षाएं भी इस बार छोड़ दी थी। हाई स्कूल परीक्षार्थियों की संख्या 25,00,000 व इंटरमीडिएट की परीक्षार्थियों की संख्या करीब 22,00,000 रही है। जिन छात्र छात्राओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि रिजल्ट की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, 20 के बाद आएगा बोर्ड पर।